साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार की और देशवासियों को आगे बढ़ने से रोकने वाली दो बड़ी वजह रही है। एक, सुविधाओं का अभाव, और दूसरा, सरकार का अनावश्यक दबाव। लंबे समय तक हमारे यहां सुविधाओं का, अवसरों का अभाव बनाए रखा गया, एक गैप, एक खाई बढ़ने दी गई। इससे एक अस्वस्थ स्पर्धा शुरू हुई, जिसमें किसी भी लाभ को, किसी भी सुविधा को दूसरे से पहले पाने की होड़ लग गई। इस होड़ ने भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम बनाने के लिए एक प्रकार से खाद पानी का काम किया। राशन की दुकान में लाइन, गैस कनेक्शन से लेकर सिलेंडर भरवाने में लाइन, बिल भरना हो, एडमिशन लेना हो, लाइसेंस लेना हो, कोई परमिशन लेनी हो, सब जगह लाइन। ये लाइन जितनी लंबी, भ्रष्टाचार की जमीन उतनी ही समृद्ध। और इस तरह के भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ता है तो वो है देश का गरीब और देश का मध्यम वर्ग। जब देश का गरीब और मध्यम वर्ग अपनी ऊर्जा इन्हीं संसाधनों को जुटाने में लगा देगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकसित होगा? इसलिए हम बीते 8 वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई रास्ते चुने हैं। 3 प्रमुख बातों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1, आधुनिक टेक्नोलॉजी का रास्ता। 2, मूल सुविधाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य। और 3, आत्मनिर्भरता का रास्ता। अब जैसे राशन को ही लीजिए, बीते 8 वर्षों में हमने पीडीएस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर कर दिया। इसी प्रकार डीबीटी से अब सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। इस एक कदम से ही अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचा है। 2 लाख करोड़ रुपया। कैश आधारित अर्थव्यवस्था में घुसखोरी, काला धन, ये डिटेक्ट करना कितना मुश्किल है ये हम सब जानते हैं। अब डिजिटल व्यवस्था में लेन देन का पूरा ब्यौरा कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम जैसी व्यवस्था, सरकारी खरीद में कितनी पारदर्शिता आई है, ये जो भी इसके साथ जुड़ रहे हैं, उसका महत्व समझ रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं।